हे गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक विथ माय न्यू रेसिपी की वीडियो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वीकली एक दिन मैं रुखसार के साथ मिलके आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी की वीडियो शेयर करूंगा। तो आज जो है घर में मटन कोरमा बन रहा है, सो हमने सोचा कि आज से शुरू करते हैं और हर फ्राइडे को आप लोगों को रुखसार की जो रेसिपीज होंगी उसकी वीडियो मिल जाएगी। जैसे कि हमारे ब्लॉग्स आप लोगों को पसंद आते हैं तो वो आई होप रुखसार की रेसिपी की वीडियो भी पसंद आएगी और स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम आप लोग साथ शेयर करेंगे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं ताकि आप लोग भी अगर घर में बनाए तो इजिली आप लोग को भी समझ में आ जाए। तो बेसिकली मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है, तो चलिए चल के देखते हैं कि मैंने क्या क्या तैयारी की है और कैसे रेसिपी कोरमे की बनती है, वो मैं आपको आगे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कोरमे के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है। तो सबसे पहले हमने जो लिया है वो हमारे पास है 1 kg मटन जो हमने लिया है। उसके लिए उसके साथ हमने 3 से 4 पतली पतली स्लाइस में कटे हुए प्याज लिए हैं। ये हमने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं जिसमें कि लौंग लिए हैं मैंने 10 से 12, काली मिर्च है, ये बड़ी इलायची साबुत है इसे थोड़ा सा दरदरा कूट लेंगे, साबुत तो छोटी इलायची है, ये जावित्री लिए है एक टुकड़ा और 2 टुकड़े दालचीनी के लिए हुए हैं और 3 से 4 तेज पत्ते लिए हैं और थोड़ा सा जीरा लिया है हाफ टेबल। हमने लिया है 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च, 2 बड़े चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टेबल स्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, 1 स्पून हमने लिया है गरम मसाला और नमक तो आप टेस्ट अकॉर्डिंग ले सकते हैं जहाँ की मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा है वो लिया हमने 1 कटोरी दही, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 3 बड़े चम्मच हमने तेल लिया है मस्टर्ड ऑयल। ये जो मेन चीज है जिसमें कोरमे का स्वाद जो बढ़ाता है वो ये है 15 से 20 चाहिए मखाने, 10 से 12 काजू और ये कुछ नारियल का बुरादा। आज मैंने पहली बार अपना ये किचन का वीडियो शुरू किया है तो मैंने सोचा क्यों ना मीठा कुछ बना लिया जाए, तो मैं आप लोगों को मीठे की भी रेसिपी इसके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। मैं जा रही हूँ मीठे में, बहुत लोगों ने गैस तो कर लिया होगा कि मैं मीठे में क्या बनाऊंगी, जैसे कि सबको पसंद होता है, तो मैं बनाने वाली हूँ शाही खीर जो हमने लिया था। ध्यान से ये कोशिश करने में बहुत प्याज को फ्राई करेंगे। अब इसको हम ब्राउन लाइट ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। ये हमारा प्याज ब्राउन हो गया है, हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है क्योंकि हम जब कोरमा को हम उसे भूनेंगे फ्राई करेंगे तो फिर ये और जल जाएगा तो उसका टेस्ट खराब होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हमें बहुत एहतियात से ये चीज़ को बहुत ध्यान रखना है कि हमारे प्याज ना ज़्यादा ब्राउन होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। जो हम जायफल लिए वो हम सबसे लास्ट में डालेंगे। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और गैस की फ्लेम है वो लो ही रखेंगे, डाल देंगे। अब हम इसको 5 से 7 मिनट से अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि जिसका जो खड़े गर्म मसालों का अरोमा है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो। अभी हमारा जो मटन है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट जो पीसा था उसको। इसको भी हम 2-3 मिनट तक भूनेंगे अच्छे से। फिर अब इसमें हम सारा मसाला जो है हमारा वो हम इसमें ऐड कर देंगे, अदरक धनिया अदरक गरम मसाला हल्दी पाउडर धनिया पाउडर नमक और लाल मिर्च। थोड़े से मखाने डाल देंगे ऊपर से और कुछ टुकड़े काजू के। जो मेन टेक्सचर है वो ये है जायफल। जायफल को हमें बहुत कम अमाउंट में लेना है, इससे ये टेस्ट को बढ़ा भी देता है और ये अगर इसको ज्यादा अमाउंट में डाला तो ये टेस्ट को बिगाड़ भी देता है। तो हम अच्छे से क्रश करेंगे। हमारी ये जो डिश है तो बन रही है, अब इसके साथ हम लोग शुरू करते हैं हमारे मीठे की प्रिपरेशन। खीर मम्मी ने तो बीच में बनाई है खीर, लेकिन मैं
शादी में जो पहली बार खीर बनाई थी, अब सेकंड टाइम में खीर नहीं, शादी में मैंने खीर ही बनाई थी। शादी में आपने मीठा जर्दा बनाया था। और जो लोग मीठे जर्दे की रेसिपी चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे हमने जो है इंग्रेडिएंट्स निकाल लिए मीठी खीर के लिए। हटना, एक मिनट, साइड होना प्लीज, साइड 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 प्लीज साइड। क्या हुआ, क्या दिक्कत है, ज्यादा गर्मी लग रही है क्या? अभी एस्टन यहाँ पे आके चढ़ा हुआ था। चलो ठीक है, अब हमारा जो कौरमा है वो तो रेडी हो गया बनकर, अब हम मीठे की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए हमने ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स रख दिए। इसमें क्या क्या चीजें है रुखसार बताएगी। शाही खीर बनाने के लिए जो हमें चीजें चाहिए वो है, 1 किलो दूध लिया हमने फुल क्रीम, ये हमने लिया बासमती राइस, उसको हमने हल्का सा तोड़ लिया है, और हमें चाहिए कुछ ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि हमने लिया है ये हाफ गोला, इसको हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है, ये हमने 20 से 25 हमने इसको काजू लिए हैं, पानी में भिगो हुए हैं, और ये हमने कुछ पिस्ता लिए हैं 5 के साथ, ये हमने लिए हैं बादाम, इसको पानी में भिगो कर इसको अच्छे से छील कर, 20 से 25 हमने ये किशमिश ली है, ये हमने ली है चिरौंजी, ये सैफ्रॉन है, इसको हमने दूध में रख दिया है, ये हमने लिया है इलायची पाउडर। आप दोनों में से अगर आप कोई भी चूज कर सकते हैं, आपको जो अवेलेबल हो आपके घर में वो आप यूज कर लें। और हमें अब जो हमने ये काजू बादाम लिया था उसको हम ना एक पेस्ट बना लिए। फाइन, अब इस टाइम पे हम गैस की फ्लेम को थोड़ा लो करेंगे और जो हमने काजू और बादाम का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे। तो इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। कढ़ाई लिए, उसमें हमने थोड़ा सा घी डाला है और जो भी हमारे जो ड्राई फ्रूट्स थे वो हम सब इसको इसमें फ्राई कर लेंगे लाइट ब्राउन। चलाते रहना है। हमारा कोरमा और हमारी खीर बनके हो गई तैयार, देखने में बहुत ही लजीज लग रही है। अब देखते हैं घर वालों का रिएक्शन, वो टेस्ट करके बताएंगे कैसे लगी। बाकी आप लोग भी बताइएगा मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी को अच्छी लगी आप लोगों को तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और डीएम करके जरूर बताएं कि कैसा लगा। प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, अभी करें, अभी इसी वक्त करें। तो अब चलते हैं सर्व करते हैं। पापा को जो खाना बहुत अच्छा है, उम्दा अच्छा है। ये है रुखसार की मटन कोरमे की रेसिपी, और घर वालों को तो पसंद आई, मैंने खाया नहीं है, भाभी को दे बताएंगे, भाभी भी रह रही हैं। सो बच्चे लोग कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। खाने में